मैं काफ़ी सारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल्स देखा करता था और वो सभी एक कॉमन प्रैक्टिस रिकमेंड किया करते थे, मेडिटेशन। कुछ कहते थे कि मेडिटेशन ने उनकी हेल्प की काम में फोकस करने के लिए, स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। कुछ आर्टिस्ट और एथलीट्स ये कहते थे कि इट हेल्प देम इम्प्रूव देयर गेम एंड आर्ट। इससे मुझे मोटा मोटा पता चल गया कि लोग बाग मेडिटेशन से आखिर क्या अचीव कर पाते हैं। पर मेरे दिमाग में एक सवाल हमेशा से था कि मेडिटेशन में आखिर ऐसा क्या जादू होता है कि इट हेल्प्स अस अचीव दीज थिंग्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरी मेडिटेशन की अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने डेवलप की है बाय रीडिंग द हेडस्पेस गाइड टू माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, और साथ में मेरी 60+ आवर्स की मेडिटेशन प्रैक्टिस है। चलिए शुरू करते हैं। आपके दिमाग में किसी भी समय ढेर सारी थॉट्स चलती रहती हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये थॉट्स आप खुद से इनिशिएट करते हैं। ये थॉट्स अपने आप बस कहीं से आपके दिमाग में पॉप हो जाती हैं। बाय द वे, इस तरीके से थॉट्स का पॉप होना बहुत नॉर्मल है और सबके साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ाई करने बैठे हैं एंड सडनली आपके दिमाग में एक थॉट पॉप होता है, एक बार मेरा ये एग्जाम क्लियर हो गया ना, अलग तो सेक्सी बाइक मांगूंगा मैं पापा से, फिर एकदम मस्त बंदी पटा लूंगा और उसको मस्त घुमाऊंगा मैं। या फिर एक अदर सेट ऑफ थॉट्स हो सकता है, भाई मेरे से एग्जाम क्लियर नहीं होगा यार, बल्कि मुझसे तो कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं, मैंने क्या ही उखाड़ लिया भाई जिंदगी में, ऐसा निकम्मा हूँ यार। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इन दोनों थॉट्स में क्या रिलेशन दिखता है, तो आप बोलेंगे कि एक सेट में आप काफी पॉजिटिव चीजों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन दूसरे में आप काफी नेगेटिव चीजों के बारे में सोच रहे हैं। पर मैं कहूंगा कि ये दोनों थॉट्स एग्जैक्टली सेम थी, क्योंकि दोनों ही केसेस में जब आप अपने थॉट के लूप से बाहर निकले तो आपको पता चला कि आप ये सारी चीजें अराउंड 15 मिनट से लगातार सोचे जा रहे हैं, और ये वो 15 मिनट हैं जो बेसिकली आपने अपनी पढ़ाई के लिए अलॉट किए थे, और ये 15 मिनट की पढ़ाई एक्चुअली डिक्टेट करती कि फ्यूचर में जाके आप कैसा परफॉर्म करेंगे। जब आप क्लोजली एनालाइज करेंगे तो ये पाएंगे इन दोनों ही थॉट्स की चेन का एक स्टार्टिंग पॉइंट था, एक बार मेरे से एग्जाम क्लियर हो जाए या फिर मेरे से एग्जाम बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, और इस स्टार्टिंग पॉइंट के बाद आप इनके ऊपर कंटिन्यूअसली सोचते गए और आप इवेंचुअली एक थॉट लूप के अंदर फंस गए और आपको पता भी नहीं चला कि 15 मिनट कहां गायब हो गए। अब क्योंकि हमें समझ में आ गया कि एक हद तक प्रॉब्लम है, तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सोचते हैं। हमने देखा कि पूरा का पूरा थॉट लूप सिर्फ एक थॉट से स्टार्ट होता है। अगर मैं उस फर्स्ट थॉट को आते हुए ऑब्जर्व कर लेता और बोलता ओके थॉट, थैंक्स फॉर कमिंग, पर मुझे अभी वापस से अपने काम पे फोकस करना है, तो शायद कभी हम उस थॉट लूप में ना फंसते और अपना समय बचा पाते। बाय द वे, अगर हम काम और पढ़ाई के कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकल कर देखें, आप कितने टाइम अपने पेरेंट्स, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ होते हैं, ऑल्दो आप उनके साथ फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अपने दिमाग में, अपनी थॉट्स में कहीं और ही खोए हुए रहते हैं, और मे बी इस मोमेंट में रह के जो लाइफ आप उनके साथ एंजॉय कर सकते थे वो आप नहीं कर पाते हैं। सो मे बी देयर इज अ रीजन कि इस तरीके से थॉट लूप में खो जाना आपकी लाइफ को बैडली अफेक्ट कर रहा हो। पर इस तरीके से अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करना और वापस से प्रेजेंट पे फोकस करना एक स्किल होती है, जिसको लर्न करने के लिए आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा। जैसे आपको अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए जिम में एक्सरसाइज करना होता है, तो अगर आपको अपने ब्रेन को केपेबल बनाना है थॉट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, तो आपको भी अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। और ये जो ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, इसे बोलते हैं मेडिटेशन। जैसे जिम में हजार तरीके की एक्सरसाइजेज होती हैं सिर्फ बाइसेप्स के लिए या सिर्फ ट्राइसेप्स के लिए, वैसे ही तरह तरह के मेडिटेशंस होते हैं, कुछ स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए, कुछ एंजाइटी को हैंडल करने के लिए, कुछ मे बी आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करने के लिए। पर आज हम डिस्कस करेंगे सबसे नॉर्मल वाला, जो हमने पॉपुलर मीडिया में यूजुअली देखा है, लोग किसी शांत जगह पे अपनी आंखें बंद करके मस्त बैठ जाते हैं, क्योंकि आप मूव नहीं कर रहे होते हैं और किसी और काम को नहीं कर रहे होते हैं, तो आपके लिए अपने माइंड को ऑब्जर्व करना काफी इजी हो जाता है। दूसरा कंपोनेंट होता है मेडिटेशन का पॉइंट ऑफ फोकस। कुछ लोग कोई मंत्र यूज करते हैं जैसे ओम, या फिर कुछ लोग माला यूज करते हैं, लेकिन यूजुअली लोग बाग यूज करते हैं अपनी ब्रेथ। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। मेडिटेशन करते वक्त हमारा गोल ये रहता है कि हम अपने पॉइंट ऑफ फोकस पे पूरी एक्सरसाइज के दौरान फोकस रखने की कोशिश करें। जब आप मेडिटेशन में अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे, जस्ट लाइक पढ़ाई, विद इन 20-30 सेकंड आपके दिमाग में एक थॉट पॉप होगी और 99% चांस है कि आप अपनी नॉर्मल टेंडेंसी की तरह उस थॉट के बारे में और सोचने लगेंगे। पर एक्सरसाइज का गोल ये है कि आप जैसे ही रियलाइज करें कि भाई मैं किसी थॉट लूप में फंस चुका हूं, आप वापस से अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दें। एक्सरसाइज के टाइम बहुत बार ऐसे आपके दिमाग में थॉट्स पॉप होंगी, आप ड्रिफ्ट अवे हो जाएंगे, लेकिन हर बार आपका गोल यही है कि आप वापस से अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करने की कोशिश करें। जब आप मेडिटेशन महीनों तक करते रहेंगे तो आप अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करने में माहिर हो जाएंगे। अब जब आपके दिमाग में कोई थॉट पॉप हुआ करेगी तो आप उसे इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे और उसे बोलेंगे थैंक यू थॉट, आप आए नाउ बाय। और कंटिन्यूअसली मेडिटेट करते करते आप ये जो सेम क्वालिटी है थॉट्स को ऑब्जर्व करने की, इसको अपनी लाइफ में भी लेके आ जाएंगे। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं,
रहे हैं और सडनली आपके दिमाग में एक थॉट आती है कि अरे यार ये इंसान बहुत बुरा है या फिर एक्स वाई जेड थिंग, इंस्टेंट कि आप उस थॉट के लूप में फंस जाएं, आप उस थॉट को नोटिस करेंगे और वापस से अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन कोई ऐसी जादुई चीज कर देती है कि आपको हमेशा खुश रखती है या फिर आपके दिमाग से सारी नेगेटिव थॉट्स को हटा देती है, तो एटलीस्ट मेरी करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर हम स्ट्रेस का केस ले लें तो वो बेसिकली ये होता है कि किसी इंसान के दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट कॉन्स्टेंटली चलती रहती है और वो उसके बारे में इंसेसेंटली सोचता रहता है। तो शायद अगर वो इंसान मेडिटेट करता तो इन द फर्स्ट प्लेस वो जो पहली नेगेटिव थॉट है वो उसे वहीं पे कैच कर लेता और उसके बारे में कंटिन्यूअसली नहीं सोचता। नाउ आई नो कि चीज़ें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कुछ लोग क्लिनिकली स्ट्रेस्ड होते हैं तो उनके केस में चीज़ें अलग होंगी, बट मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा था कि कैसे मेडिटेशन उस केस में हेल्प कर सकता है। अब जो मैंने आपको बताया अगर आपको उसको एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी के साथ अंडरस्टैंड करना है या फिर रीइंफोर्स करना है तो एक बहुत ही बढ़िया वीडियो है हेडस्पेस का, जो मैं आपको हाईली इंकरेज करूंगा इस वीडियो के बाद देखने के लिए। ऑब्वियसली आपके दिमाग में ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे कि जैसे कि अगर मैं अपने दिमाग को ड्रिफ्ट नहीं होने दूंगा तो मुझे क्रिएटिव आइडियाज कहां से आएंगे, या फिर अगर मेडिटेशन इतनी सिंपल चीज है तो लोग हिमालय में जाके मेडिटेट क्यों करते हैं, या फिर आप ये बोलेंगे कि फ्यूचर के बारे में सोचना क्यों बुरा है। वेल कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपके दिमाग में ये सारे सवाल है, लेकिन मैं इन सब सवालों का जवाब सिर्फ इस वीडियो में नहीं दे सकता और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप रीड करें ये बुक। सिर्फ 150 पेजेस की है और आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आंसर कर देगी। बाय द वे मैं आपको जाने से पहले ये बताना चाहता था कि शायद मैं इस टॉपिक के बारे में और दूसरे डिफरेंट टीचर्स की किताबें पढूं तो मेरी मेडिटेशन की इंटरप्रिटेशन काफी हद तक चेंज हो सकती है, पर जो मैंने इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर किया वो मुझे काफी हद तक लॉजिकल लगती है और इसीलिए मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मेडिटेशन कोई ऐसी जादुई चीज नहीं है। ऑल्सो अगर आप हेडस्पेस वाली बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको हर चैप्टर के बाद नंबर ऑफ साइंटिफिक आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको मेडिटेशन सीखना है तो प्लीज इस चीज को समझिए कि मेडिटेशन एक एक्सरसाइज की तरह है जिसमें ढेर सारी इंट्रिकेसीज हैं और इसको लर्न करने के लिए आपको किसी ना किसी टाइप की गाइडेंस की जरूरत होगी। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना है तो उसके लिए आप कौन सी ऐप यूज कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने एकदम मस्त सेक्सी वाला प्लांट खरीदा है, इसमें से कोई खुशबू नहीं आती है, पत्तियों में से कौन सी खुशबू आती है। बट एनीवे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने एक प्यारे से दोस्त के साथ शेयर भी करो ताकि हम साथ में बन सके बेहतर बेहतर।